हमने हॉलैंड के खिंजीरों को बताना है। हाँ जी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? खिंजीर तो तुम्हारे अंदर खाते हो, खिंजीर से भी बदतर की नस्लों, हुजूर के बारे में बात करते हो? कहते अमन की बात करो, सारी अमन दा तुझे ठेका लिया दुनिया दा, गल्ला करते हो अमन अमन की बातें। जहान का मन खराब होगा, हमें जहान के अमन की कोई जरूरत नहीं, सारे जहान भी गर्क हो जान, हमें अपने महबूब की इज्जत की जरूरत है। आज जिएंगे तो हुजूर के लिए, मरेंगे तो हुजूर के लिए, और आखिरी सांस तक हुजूर के वफादार रहेंगे। अपनी जिंदगी का एक एक गोशा हुजूर के नाम लगा दें, उसके लिए जहां जहां जरूरत हो हमें हर जगह मौजूद होना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाले, बहरहाल मैं आज आपसे करना चाहूंगा कि इज्जत रसूल पाक के कदमों में है, उनके गुलामों की ही इज्जत है। हम जो सूरत पर थूकने की कोशिश करे उसके अपने मुंह पे थूक आया करती है। मेरे आला हजरत ने कहा था रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। लेकिन हम उम्मत मुस्लिमा से कहेंगे ये वक्त है इकट्ठे हो जाओ किसी जगह, उम्मत की आवाज बनो, रसूलुल्लाह की इज्जत की आवाज बनो। जो लोग कुर्सी नहीं देखते रब रसूल को देखते हैं, वो कुछ कर जाते हैं जिंदगी में। असल बात यह है कि जिस तरह खोते की कुर्बानी नहीं होती, इसी तरह नामूस रिसालत के उत्ते भी हर बंदा नहीं कुर्बान हो सकता, एक नंबर माल ही कुर्बान हो सकता है। मुसलमान किसी कीमत पे भी पैगंबर की तौहीन, कुरान की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, नामुमकिन। हमको हम कुरान जलाने नहीं देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने नहीं देंगे।